अरे हम इस सर्टिफिकेट को कनेक्ट करेंगे मेलिंग्स के जरिए, ठीक है। इस तरह से पूरा डिज़ाइन कर लिया हमने, सामान डिज़ाइन है और यहाँ पर अभी हमें काम करना है। तो हमें डिस्टर्बेंस आ रही है ये बॉक्स की, तो हम में जाके सिलेक्शन पैन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारी सारे टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह सब बने हुए आ रहे हैं, ऑफ कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, जब चाहेंगे ऑन कर लेंगे बाद में, ठीक है। सबसे पहले डेटा के लिए हमें कंटेनर्स बनाने पड़ेंगे, इंसर्ट, और यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स, कोई भी टेक्स्ट बॉक्स ले लें इस तरह का, तो क्लिक करके रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट क्लिक करके नीचे जाएंगे, क्लिक करेंगे कंट्रोल ए बैक स्पेस, यहाँ से जाएंगे होम में और यहाँ से क्लिक करेंगे अंडरलाइन को नो कर देंगे। अभी खाली एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स को उठा के रख लेंगे। मेक श्योर कि इसको आपने रख लेना है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट के ऊपर, वरना ये डिस्टर्ब करेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद जितना बड़ा ये लाइन बनी है इसके ऊपर से इसे एडजस्ट कर देना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स टू सिलेक्शन पैन में लिख रहा है, इसको हम रख देते हैं नेम, ठीक है। अब इस पर टाइप करके देखते हैं सही लिखने में आ रहा है। सपोज ये लिख देते हैं स्टूडेंट नेम डिस्प्ले हेयर, अगर हमें लग रहा है ये फॉन्ट सही है और इसी साइज में चाहिए तो ठीक है, वरना कंटेनर पे क्लिक करके इसका साइज यहाँ से बढ़ा देंगे और इसका कलर जो है यहाँ से कर देंगे ब्लैक या वॉट एवर कलर जो आप चाह रहे हैं वो रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसी का एक डुप्लीकेट लेके कंट्रोल डी दबा के यहाँ पे बॉर्डर लाइन पे और उसको यहाँ पर रख लीजिए। उसका फॉन्ट तो इतना ही रहेगा, बॉक्स को थोड़ा छोटा कर देंगे, फिर कंट्रोल डी दबा के एक और लेंगे और उस पर क्लिक करके इसको यहाँ रख देंगे और इसको थोड़ा सा इसमें सिर्फ ये लिख देते हैं और उसका जो कंटेनर है उसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे। सिमिलरली कंट्रोल डी करके फिर आके जाएंगे और यहाँ पर भी एक कंटेनर छोटा बना के रख देंगे जिसमें कुछ मार्क्स लिखे जाने, ये फर्जी तौर पे मैं कुछ नंबर डालता जा रहा हूँ इसमें, और फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए जैसे कि डेट ऑफ बर्थ ऐसे लिखी जाएगी इसके अंदर, और फिर यहाँ पे इन वर्ड्स के लिए ठीक है, ये मैं फर्जी तौर पे कर रहा हूँ। और फिर इसी का एक डुप्लीकेट यहां से लेके शुरू में, तो जब टेस्टिंग कर रहे हो तो ऐसे ही करना, डुप्लीकेट की शॉर्ट की तो याद है। ओके सब पे सेट कर दिया, अब इनके सबके नाम रख लिया। इसका नाम हमने रखा नेम, इसका नाम रखना है एफ नेम, तो एफ नेम के लिए नेम से पहले एफ नेम लगा दिया। इसका नाम रखना है रोल नंबर, इसका नाम रखना है मार्क्स ऑब्टेन, इसका नाम रखना है डीयूबी, इसका नाम रखना है इनवर्ड्स, इसका नाम रखना है, इसका नाम रखना है एग्जामिनर,
और इसका नाम रखना है मार्क चैप्टर, इसका नाम रखना है डिवीजन, और इसका नाम रखना है कंडक्ट, इसका नाम रखना है पार्ट, और इसका नाम रखना है एक्टिविटी। ठीक ठीक है, अब ये हो गया आपका काम कंप्लीट, सेव कर लें। अब आपने जाना है मेलिंग्स में, क्लिक करना है क्या टाइप आ कस्टमाइज कॉलम कर लें। अब इसके हिसाब से ही आपने कॉलम सेट कर लें, तो इसके लिए मैं जरा इसको अभी कैंसिल करता हूँ, पहले ऊपर ले लेता हूँ मैं इसको, पहले सारे लिखाई दे रही है। पहला टाइटल, फर्स्ट टाइम, लास्ट टाइम तो सही है, फिर यहाँ से शुरू करते हैं। एफ नेम, रोल नंबर, फर्स्ट टाइम ईयर, बी टू बी इन वर्ड, मार्क्स ऑफ द के बाद डिवीजन, कंडक्ट, पार्ट और एक्टिविटी। सही, ओके कर देना। अब इस पर डालना डेटा, मुझे ना लगे राजकुमार ये तो बच्चा है। ठीक टोटल मार्क्स 1000 थे, 900 इसके लिए, डिवीजन में ग्रेड A1 बना इसका, कंडक्ट गुड था इसका, इसने स्पोर्ट्स में पार्ट लिया था, एक्टिविटीज ये ड्रामास में किया करता था। ठीक है, दूसरा रिकॉर्ड मिस्टर कबीर नेहा, मैं इसमें फादर नेम जी इससे 2024 में पास किया, डेट ऑफ बर्थ 9/02 क्या करता था, ये अदर एक्टिविटीज करती, रीडिंग करता था, डिबेट करता था। ठीक है, दो रिकॉर्ड डाल दिए, ऐसे आप 5 रिकॉर्ड डालेंगे, सेव करेंगे इसको, ओके करेंगे, पूछेगा इस डेटा को कहाँ सेव करें, इसको वहीं सेव करना है जहाँ ये डॉक्यूमेंट सेव किया। मैंने कहाँ सेव किया इसको, देखो तो मैंने तो दूसरी जगह सेव किया था, और आपको याद रखना आपने कहाँ सेव किया। यहाँ पे ये मैं
मैंने अलग फोल्डर में सेव किया है ना, तुम अपने अपने फोल्डर में सेव करना, पहले मॉलिंग से फोल्डर में सेव करना, जहां पर भी सेव किया वहां पे इसको सेव करना। फिर यहाँ पे इसका नाम रख दिया सपोज टू बी स्कूल स्टूडेंट डेटा, ये डेटाबेस फाइल सेव हो गई, सही है। अब यहाँ पे डेटा दिखाने के लिए क्या करेंगे, जो आपने लिखा है उसको सेलेक्ट करेंगे बॉक्सेस में, मेलिंग्स में जाएंगे, इंसर्ट में टाइटल स्पेस फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम सेलेक्ट मेलिंग्स इंसर्ट फादर नेम सेलेक्ट इंसर्ट रोल नंबर। अब जो ये रोल लिखा हो रही है इसको बता दो, ये नंबर आ रहे हैं इनको हटा दो, भले बड़ा आ रहा है इसको कोई मसला नहीं, मिला ऐसे आने में उसको एडजस्ट नहीं करना। फिर यहाँ क्या लेंगे, इंसर्ट डेट ऑफ बर्थ, फिर इनवर्ड्स, फिर मार्क्स ऑफ टेन, डिवीजन, कंडक्ट, आर्ट, मतलब मैं उनको मिटाता जा रहा हूँ जो मैंने पहले लिखे थे और उनकी जगह पे ये फील्ड सेट कराता जा रहा हूँ। वंस आपने ये फील्ड एड करा दी, फिर आप चेक करने के लिए क्या करेंगे, लकी का सर्टिफिकेट बन गया, यहाँ से करेंगे नेक्स्ट, कबीर का सर्टिफिकेट, नया डेटा डालना है, प्रीव्यू ऑफ करेंगे और नया रिकॉर्ड डालने के लिए क्या करेंगे, एडिट क्लिक करेंगे, एडिट, ये तो बच्चा है नहीं, 14 जनवरी 2012 जो कसूर है इनमें, ठीक है इस सर नया रिकॉर्ड डाला, ओके यस, रिव्यू कैसा, ठीक है। तो ये तरीका हमने सीख लिया कि अब किसी भी स्कूल कॉलेज में आपने एक सर्टिफिकेट डिजाइन करना है, एक ही आईडी कार्ड डिजाइन करना है और उसको डेटा से कनेक्ट करा देना, सबके सर्टिफिकेट जब तक स्कूल चलता रहेगा डेटा डालते रहो, सर्टिफिकेट प्रिंट करते रहो, बनाने की जरूरत नहीं है।